बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। इस मामले को लेकर अधिकारी ने बताया कि इस केस की चार्ट शीट में क्या लिखा है। मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी दत्ता नालावड़े ने बताया कि यह चार्ट शीट 1700 से ज्यादा पन्नों की है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में दायर इस चार्ट शीट में सलमान और उसके भाई अरबाज खान के बयान दर्ज है। इस दौरान डीपी दत्त नालावड़े ने बताया कि लॉरेंस विश्नोई की गैंग कैसे काम करती है। साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि यह लोग कैसे दूसरे लोगों को अपनी गैंग में जोड़ते हैं और आखिर क्यों वह सलमान खान को अपने निशाना बना रहा है। मुंबई पुलिस के अधिकारी डीसीपी दत्ता नालावड़े ने कहा कि लॉरेंस विश्नोई मुंबई के लोगों के दिलों में अपना डर बिठाना चाहता था, इसलिए अपने सुपरस्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग की साजिश रची और अपने शूटरों को भेजकर फायरिंग करवाई। नालावड़े ने बताया कि लॉरेंस विश्नोई ऐसे लोगों को रिक्रूट करता है जो किसी न किसी माध्यम से उसकी गैंग के लोगों से मिलते हैं। इसके बाद उन्हें पहले कोई छोटा काम दिया जाता है और फिर बड़ा काम सौंपा जाता है। विश्नोई अपने गैंग के लोगों को इस बात की तसल्ली देता है कि उन्हें बड़ा नाम बनाएगा और अगर वो कहीं फंसते हैं तो उन्हें वकील भी दिलाएगा। गौरतलब है कि इसी साल 14 अप्रैल को दो मोटरसाइकिल सवार लोगों ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलियां चलाई थी। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जिसमें अनुष्ठान नाम का आरोपी भी शामिल है, जिसे 1 मई को पुलिस हिरासत में ही फांसी लगा ली थी।